मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा को कड़वे बोल बोलना महंगा पड़ रहा है। पुलिस ने मौलाना के खिलाफ केस दर्ज किया है। बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने संभल के पक्का बाग में CAA के खिलाफ चल रहे महिलाओं के धरने में मंच से विवादित बोल बोले थे। मौलाना ने प्रधानमंत्री अमित शाह और UP CM को अमर्यादित बोल बोले थे। यही नहीं, संघ प्रमुख को भी मौलाना ने विवादित शब्द कहे थे। मौलाना के खिलाफ पुलिस ने थाना नखासा में केस दर्ज किया है। ये जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र में तौकीर रजा जो बरेली के धर्मगुरु हैं वो कल आए थे यहाँ पक्का बाग में। कुछ महिलाएं जो CA के विरोध में प्रोटेस्ट में बैठी हैं उनको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने वक्तव्यों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ उन्होंने अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके अगेंस्ट में ये मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा धारा 504, 505 और 153 के अधीन लिखा गया है और विधि कार्रवाई की जा रही है।